ऐसा कीजिए, काउंटर्स पे ना फिर से खाना गर्म करके लगा दीजिए दोबारा। जी क्या कर रहे हो? हाथ छोड़ो मेरा, जस्ट लीव मी। अभी सुनो तो। अब मैं सुनूंगा नहीं, सिर्फ सुनूंगा। मेरे मना करने के बावजूद इन्होंने शराब पी। ये नशे में है, तनु के साथ ऐसे बात कर रहे हैं, तो मेरे साथ तो मैं देखूंगी नहीं इनकी तरफ। यहाँ लेकिन पति हूँ मैं तुम्हारा, पति परमेश्वर, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे सब जगह मैं ही मैं। बीवी हो ना तो मेरी, बीवी हो क्या? नहीं नहीं बीवी का फर्ज बनता है कि वो अपने पति की हर बात माने, राइट या रॉन्ग? राइट या रॉन्ग? राइट राइट। कल चलो मेरे साथ गंगा में डुबोने हरिद्वार थोड़ी ना ले जाऊंगा। स्टेबल तक चलो। नहीं जाऊंगी। क्या? नहीं जाऊंगी। नहीं जाऊंगी। नहीं। अरे मम्मी जी देखो ना आपकी बेटी। मैं जा रही हूँ ना, आप माँ को क्यों बुला रहे? तो जाओ। चलिए। एक। थैंक यू रॉबिन। यहाँ क्यों लेकर आए मुझे? एक दूसरे को मीठा खिलाया तो प्यार इतना बढ़िया कि अब मुझे भी प्यार आ रहा है। मन कर रहा है तुम्हें कुछ मीठा खिलाऊं। अरे मगर ऐसे नहीं, टॉपिंग के साथ। इसमें थोड़ी टॉपिंग तो होनी चाहिए। मिर्ची, ब्लैक मिर्ची। क्या कर रहे हैं आप? मिठाई बना रहा हूं। खाओ इसे। ये मैं कैसे खा सकती हूँ, इतनी सारी मिर्ची डाली आपने। उसी तरह जिस तरह मैंने खाई थी। आप क्यों कर रहे हैं सब? तुम चलाती हो ना। अब तुम्हें समझ में आ गया कि इस घर में किसका हुक्म चलता है? खाओ। मैं नहीं खाऊंगी। खा रही हूं। खाओ। चबाओ। अच्छी लग रही। मैं पानी। किसी ने तुमसे ये नहीं बताया कि मीठे के बाद पानी नहीं पिया करते, वरना मीठे का मजा चला जाएगा। तुम पानी छोड़ो, ये पियो। मैं नहीं पी सकती। अगर इसे मैं पी सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं पी सकती हो? पियो। मैं नहीं पीऊंगी। नहीं पियोगी? हुक्म चलाने का बहुत शौक है ना तुम्हें। तुम्हें इतना दीघा खिलाऊंगा ना कि हुक्म तो दूर की बात, जबान नहीं चला पाओगी तुम। मेरे पीने से तुम्हारी माँ को बुरा लगता है, अब अगर तुम ये नहीं पियोगी तो तुम्हारे मुंह को बुरा लगेगा, उसका क्या? मैं नहीं पीऊंगी, मुझे पानी पीना है। नहीं पियोगी? नहीं पियोगी? नहीं पियोगी? दादी, कमाल है। मिर्ची लगी थी, एप्पल जूस दे रहा था, लेकिन मैं ही पी लेता। के पास रहती हूँ, इनके सामने कोई बदतमीजी नहीं करेंगे।
तो मुझसे बचने के लिए दादी का सहारा। Excuse me everyone. Can I have your attention please? जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं मेरी बीवी बड़ी प्यारी है, बड़ी सुशील है। इसे डांस इतनी अच्छी तरह नहीं आता, इसलिए मेरे साथ डांस करते वक्त ये बार बार गिर रही थी, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और इन्होंने मुझे हराने का मन बना लिया। और इन्होंने मुझे चैलेंज किया है कि ये मेरे साथ डांस करेगी और इस बार ये बिल्कुल नहीं गिरेगी, बल्कि मेरे हर कदम के साथ अपना कदम मिलाएगी। और जैसा कि लोग कहते हैं, जो करे अपनी बीवी से प्यार वो उसके चैलेंज को कैसे करे इनकार। Am I right? अपने वाइफ से यही कहना चाहूंगा कि ऑल द बेस्ट, और मैं चाहूंगा कि इस चैलेंज में वो मुझे हराए। एवरीवन प्लीज की माय वाइफ अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। प्रज्ञा को तो डांस करना आता ही नहीं, वो क्यों ऐसे आपको कर रही है? फिर से डांस? क्या आपको हो क्या क्या है? चल तनु, आई एम श्योर भाई ने कुछ ना कुछ सोच के रखा होगा। He's up to something. I know him. जा बेटा, बुला रहा है तुझे। अच्छा किया, तुझे इसे चैलेंज कर दिया, अब तो इसे हरा के आना प्रज्ञा। जा। क्या हुआ? डर लग रहा है? डरने की कोई जरूरत नहीं, बस इतना याद रखना कि उसका हाथ मत छोड़ना, चाहे कुएं में भी गिर जाओ, हाथ मत छोड़ना। लेकिन दादी फिर तो वो भी गिर जाएंगे ना। जियो तो साथ में, गिरो तो साथ में। याद है ना, शादी के वक्त वादा किया था उससे, तू उसका हाथ कभी नहीं छोड़ेगी, कुछ भी हो जाए। बस अपना वो वादा याद रखना, उसका हाथ नहीं छोड़ना, गिरना भी साथ में और उठना भी साथ में। Everyone, please give her a big hand. मिर्च के बाद सबान नहीं चली थी ना, अब इस डांस के बाद पाँव नहीं चलेंगे। उसका हाथ नहीं छोड़ना, गिरना भी साथ में और उठना भी साथ में। चले। प्यार की ये कहानी सुनो, एक लड़का था एक लड़की थी, होती क्या है जवानी सुनो, एक लड़का था एक लड़की थी, वो भी एक दौर था, वक्त ही और था, जब वो थे अजनबी, दोनों तनहा से थे, पर वो कहते किसे बात जो दिल में थी, प्यार की छोड़ो। एक लड़की थी। हाथ छोड़ो मेरा। नहीं छोड़ू। हाथ छोड़ो। एक दिन टूटे गम के वो घेरे, झिलमिल झिलमिल आए सवेरे, मौसम बदला जागी फिजाए, वो मिल गए वो खिल गए और प्यार हो ही गया, जो चाहा था वो पाया तो खो ही।
देखा, मैंने कहा था ना हाथ मत छोड़ना। बेटा इसमें दही पल्ले और डाल दो। बीजी आपने मीठा खाया? हाँ हाँ मैं तो खा चुकी हूँ। दीदी क्या बढ़िया अरेंजमेंट किया है ना उन्होंने फंक्शन के लिए। डेकोरेशन, लाइट्स कितना अच्छा है, पर एक कमी रह गई खाने में ना, मटर पनीर। इसमें मटर जो है वो अच्छे हैं और चावल भी बासमती नहीं लग रहे। मुझे मीठे में भी ना केसर कुछ ज्यादा हो गया। बोल तो ऐसे रहा है जैसे खुद का कोई केटरिंग का बिजनेस हो। तो तू एक काम करना ना, अगली बार शादी में जब खाना बनेगा ना तो तू कुक को जाके खुद बता देना कि मटर कितने गलने चाहिए, केसर कितना डलना चाहिए। नहीं मैं यहाँ तो केटरिंग का ही काम है, और कौन बताएगा। और वैसे भांजी के ससुराल में थोड़ी सी मदद कर देगा तो प्रज्ञा को अच्छा ही लगेगा। ठीक है दीदी, अगले फंक्शन में ना उनको सब समझा दो। मेरी मदद ही क्यों, मैं तो कहती हूँ पूरा केटरिंग का काम ही संभाल लो। केटरिंग का? हाँ जी, आलिया की शादी रिसेप्शन में कैटरिंग का काम आप देखो। इस काम के लिए आपसे अच्छा और कौन हो सकता है। आपकी बात सही है, पर बेटी के घर पर काम करना तो अच्छी बात है, पर वहाँ से पैसे कमा कर जाना अच्छा नहीं लगता। क्यों अच्छा नहीं लगता बेटा? वक्त के साथ साथ अगर हमने अपनी सोच न बदली तो हम अपने बच्चों को सही से कैसे दे पाएंगे। वो जमाना गुजर गया जब लोग कहा करते थे कि बेटी के घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए। भला क्यों नहीं पीना चाहिए? अगर बेटा और बेटी दोनों बराबर हैं तो बेटी के ससुराल वाले और मायके वाले बराबर ही होने चाहिए ना। लड़का और लड़की सारी उम्र एक साथ रह सकते हैं तो फिर दोनों परिवार एक बनकर क्यों नहीं रह सकते। हमें अपने बच्चों की खुशी पहले है या फिर पुरानी बात? आप कहते तो अगले फंक्शन में मैं पूरी मदद करूंगा। सिर्फ मदद? इसका मतलब आप अपने काम के पैसे नहीं लेंगे? पैसे तो नहीं लेंगे। तो फिर हम भी ये कह सकते हैं कि हम अपनी बहू के मायके वालों का एहसान नहीं लेंगे। ठीक है, देखो बेटा रिश्तेदारी और काम अपनी अपनी जगह है, इनको मिलाने की कोशिश ना करो। बड़े फंक्शन में बड़े लोग आएंगे, उनको आपका खाना पसंद आएगा, जहाँ आपका बिजनेस बढ़ेगा। और फिर अपने बेटे के बारे में क्यों नहीं सोचते? आपका बिजनेस बढ़ेगा तो आगे चल के यही बिजनेस संभालेगा ना। बोल दो पापा जी, इनके फंक्शन में ना बड़े बड़े फिल्मी लोग आते हैं, अगर इन्हें खाना अच्छा लगा ना इनके सारे फंक्शन में केटरिंग का काम हमें मिलेगा। आपके बेटे को मेरी बात समझ में आ गई है पर आपको नहीं। सर राजी, मैं यहाँ आपकी एक नहीं सुनूंगी। आज ही मैं अगले फंक्शन के लिए मैनेजर से इनको एडवांस दिलवा देती हूँ। ठीक है। फैमिली वो जो एक दूसरे के काम आए, ठीक है ना। सब कुछ अच्छा हो गया, मेहमान भी चले गए। अरे वाह दीदी, आपने तो कमाल कर दिया, एक रॉकस्टार को डांस में हरा दिया। और इतना अच्छा डांस सीखा कैसे आपने? नहीं रे, मैं कहा वो तो बस उनके साथ। क्या मुझे एक बात समझ में नहीं है कि ये जानते हुए कि तुझे डांस ठीक से नहीं आता है वो क्यों तुझे स्टेज पे बार बार लेके जाते हैं? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे वो ना किसी बात का गुस्सा उतारता है तुझ पे, जैसे जैसे कोई सबक सिखाना चाहता हो तुझे। नहीं माँ, कैसा गुस्सा कैसा बदला, आप खुद सोचिए ना, वो इतने बड़े रॉकस्टार हैं और उनकी बीवी को डांस भी करना नहीं आता, ये बुरा तो लगता होगा ना। इसलिए बस सिखाने की कोशिश करते क्योंकि मुझे नहीं आता है ना माँ। अरे क्या डांस नहीं आता दीदी, आपने उन्हें हरा दिया है, देखो ऐसे मुंगराए खड़े। लेकिन आज तो आपको उन्हें मनाने में बहुत टाइम लगेगा। ये तो अभी भी पी रहे और वो भी गुस्से में, भगवान न करे माँ के सामने इन्होंने कुछ अनाप शनाप कह दिया तो। सरला जी, जी एक मिनट जरा। जी
मजा आ रहा है ना? लेकिन मुझे नहीं हारा, मैं किसी से नहीं हारा, लेकिन तुमने मुझे हराया, मुझे गिराया, सबके सामने मेरी इंसल्ट की। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता, वो भी तुम्हारे परिवार के साथ। मुझे आपसे आपकी बेटी के बारे में कुछ बात करनी है। मैं आपकी बेटी से प्यार नहीं करता। और प्यार तो दूर की बात, मुझे उसकी शक्ल तक पसंद नहीं है। जब देखता हूं तो मुझे घिन आती है, गुस्सा आता है कि ये मेरी बेटी है। नफरत करता हूं मैं उससे, और प्यार प्यार मैं सिर्फ तनु से करता हूं। क्या कहना क्या चाहते हैं? वही जो आप सुन रही हैं। तंग आ गया हूं मैं इससे। अरे जीना मुश्किल कर दिया इसने मेरा। अब नहीं रह सकता मैं इसके साथ। एक साथ एक कमरे में सो तो रात को बुरे सपने आते हैं, सुबह अगर मैं इसकी शक्ल देखूं तो बनता हुआ काम बिगड़ जाता है। बहुत छुपा लिया, बहुत सह लिया मैं, अब मेरा दम घुटने लगा है। ये जैसी दिखती है वैसी है नहीं, और ये जितनी सीधी दिखती है ना उतनी चालू है ये लड़की। पिताजी अगर आप मजाक कर रहे हो ना, ये बहुत ही बत्ता मजाक है। शादी की है आपने प्रज्ञा से, पत्नी है वो आपके, अब कैसे शादी? आपको लगता है कि कोई इससे शादी कर सकता है? देखते ही मना कर देगा, ऐसी शक्ल है इसकी, और शक्ल छोड़ो दिल और भी गंदा है इसका। जिस घर में जाएगी ना उस घर को बर्बाद कर देगी। अरे पूछो इससे कि शादी की आड़ में कितने लोगों को धोखा दिया इसने, मुझे, पूरब को, आलिया को, दादी को, यहां तक कि आपको भी धोखा दिया इसने। प्रज्ञा, प्रज्ञा तू चुपचाप क्यों खड़ी? ये क्या बोल रहे? तू जवाब देना इस बात का। बेटा तुम क्यों हमारी और अपनी बेइज्जती करा रही, कुछ तो बोल। प्रज्ञा बेटा ये सब क्या है? अरे दादी ये क्या बोलेगी, इतनी जगह मुंह मार चुकी है कि किसी के सामने मुंह नहीं खुलेगा इसका। लेकिन लेकिन मैं बताता हूं सच क्या है। यही है वो लड़की, यही है वो लड़की जिसने पैसों के लिए पूरब को फंसाया, जिसकी वजह से आलिया पूरब से दूर चली गई। और जिस दिन आप मेरा रिश्ता लेकर इसके पास गई ना, तो इसका लालच और बढ़ गया और इसने पैसों के लिए पूरब को छोड़कर मुझसे शादी कर ली। ये किसी से प्यार नहीं कर सकती क्योंकि ये सिर्फ पैसों से प्यार करती। और जिस दिन इसे मुझसे अमीर लड़का मिलेगा ना, ये मुझे छोड़कर उस लड़के के पास चली जाएगी। और ऐसी झूठी, लालची और धोखेबाज इंसान की जगह इस घर के अंदर नहीं, घर के बाहर होनी चाहिए। क्या कुछ तो बोल। मैं जानती हूं ये सब सच नहीं है, पर मैं तेरे मुंह से सुनना चाहती हूँ। कहते कि ये सब झूठ है बेटा, ये इल्जाम तुझ पर नहीं मेरे भरोसे पर लगा है। बोलना सच क्या है? ये इतनी बेइज्जती कर रहे तेरी और तू चुपचाप खड़ी, तू से जवाब क्यों नहीं देती, तो कुछ बोल। इंसल्ट मैं नहीं कर रहा हूं, इंसल्ट इसने किया है आप सभी लोगों का। पूछो इससे कि आज तक इसके सारे रिश्ते क्यों टूटते रहे। पूछो इससे कि इसकी शादी किसी सिंपल घर में क्यों नहीं हुई, क्योंकि ये नहीं चाहती थी। इसकी सोच जितनी छोटी है ना, इसके ख्वाब उतने ही बड़े हैं। ये शादी के लिए लड़कों से मिल तो लेती थी, लेकिन ऐसा कुछ करती थी जिससे शादी ही ना हो, क्योंकि इसे सिर्फ पैसे वाले लड़के पसंद हैं। मुझसे बड़ा धोखा तो इसने आपको दिया है, और इसे इस घर से क्या आपके घर से भी निकाल देना चाहिए। बोलो ना कुछ, क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? खड़े खड़े देख क्या रही हो? बोलने के लिए कुछ नहीं है तुम्हारे पास?
देख माँ की हालत क्या हो गई। माँ प्लीज माँ उठो, देखो दीदी बोल रही है। माँ 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 उठो ना।